आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 लीटर दूध लिया है मैंने, 1 कप मैदा और 3/4 कप शुगर। तो सबसे पहले मैं इस दूध को बॉईल कर लेती हूँ। एक पतीले में ये दूध ले रही हूँ। इसे हमें अच्छा उबालना है जिससे कि ये दूध अच्छा मोटा हो जाए, और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं, नीचे से चलेगा नहीं। हमें इसे बीच बीच में अच्छी तरह से चलाना है। इस तरह से साइड में मलाई आ रही है, उसे हम इसे निकाल देंगे, मोटा हो जाए जब तक हमें इसे बॉईल करना है। अब हमारा दूध ज़्यादा अच्छा कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। 1 लीटर का अप्रॉक्स 1/2 लीटर हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर लिया है। अब इस गाढ़े दूध को हम ठंडा कर लेते हैं। पहले एक बॉल में ले रही हूँ। ये दूध हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ये मैदा डाल रही हूँ। इस तरह से स्मूथ बैटर बनाना है हमें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर से भी बीट कर सकते हो या फिर स्पून से भी कर सकते हो, बट बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब इसे हम ढक कर 5-6 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख देंगे। उसके बाद हम इसके मालपुआ बनाएंगे। हम चाशनी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में मैं एक बाउल शक्कर डाल देती हूँ और 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसे हिला लेते हैं। शक्कर मेल्ट हो जाए जब तक हमें कॉन्स्टेंट हिलाना है इसे। शुगर अच्छी मेल्ट हो चुकी है, अब हमें कॉन्स्टेंट चलाने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में चलाएंगे और चाशनी थोड़ी जाड़ी हो जाए जब तक हमें इसे पकाना है। चाशनी अच्छी मोटी हो चुकी है, ऐसे हाथ पर लगा के तो थोड़ा स्टिकी हो जाएगी, थोड़ी चिपचिपी हो जाएगी, तब हम समझेंगे कि अपनी चाशनी हो चुकी है। तार नहीं लेना है इसमें, खाली थोड़ी मोटी हो जाए जब तक ही पकाना है। फिर इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा केसर डाल देती हूँ। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस ऑफ कर लेती हूँ। फिर चाशनी बन चुकी है। अब हमारा बैटर अच्छा सेट हो गया है इस तरह से, और इसमें अभी केसर और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 स्पून इलायची पाउडर लिया है और 8 से 10 केसर के स्टैंड्स लिए हैं। मैंने एक नॉन स्टिक पैन में घी ले लिया है। हम घी से बनाएंगे मालपुआ। घी गर्म हो चुका है। अब हम एक गोल चम्मच लेकर इस तरह से बनाएंगे। ऐसे डालते रहेंगे। ये अपने आप अपना गोल शेप ले लेता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डालना ही है बस। ये अपने आप थोड़ा ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसे पलटा लेंगे। हमें मीडियम आंच पर तलने हैं, ये ज्यादा फुल नहीं रखना है गैस।
अपने आप ऊपर आ जाएंगे, फिर हम इसे एक बार पलटाएंगे। इसी तरह से बनाइए, ये बाहर से भी अगर घर पे बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब मैं इसे पलटा लेती हूँ। सारे इसी तरह से ध्यान से पकड़कर मैं इसे पलटा लेना है। बहुत अच्छा कलर आ गया है नीचे से, ये मालपुए बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरह से बनाएंगे। ये मालपुए चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल गर्म होनी चाहिए। सारे मालपुए इसी तरह से डाल देंगे। इससे ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक अंदर चाशनी में रखना है, फिर हम निकाल लेंगे इस तरह से। हमारा मालपुआ बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ रबड़ी से और ड्राई फ्रूट से। ये मालपुआ पर थोड़ी मैं रबड़ी लगा लेती हूँ इस तरह से। आप भी इसी तरह से रबड़ी मालपुआ बनाइए और आपके अनुभव मेरा चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया में कमेंट करके बताइएगा।